हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकबुक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम मैकबुक क्लासेस में टाइप नंबर का अपना पार्ट 7 करेंगे, जिसमें मैं आपको एफिशिएंसी टाइप करवाऊंगी। ये वाला जो टाइप है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिए। आज का टाइप शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस देना चाहती हूं, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो टाइप नंबर के पार्ट 6 में दिए थे। आप इसे अपने आंसर्स के साथ मैच कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने दिया था 15/2 और 7.5 डेज। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 16 डेज एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 6 डेज। ओके, तो गाइस ये आप अपने मैच कर लीजिएगा। चलिए आज की टाइप हम शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम आज का अपना टाइप एफिशिएंसी टाइप। ओके, तो एफिशिएंसी का मतलब पहले आपको समझ में आना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, किसी कार्य को करने की क्षमता। ओके, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम। ओके, कि कोई जो बंदा है वो मान लो 1 घंटे में 2 घंटे में कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, जैसे मान लो 5 ईंट उठा रहा है या 10 ईंट उठा रहा है 1 घंटे में, ठीक है 15 मिनट में, जितना भी है। तो अमाउंट की बात करते हैं हम यहाँ पे काम की, ठीक है। तो वो होती है हमारी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता कितनी है। ओके, अब ये बातें आपको ध्यान में रखनी है जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, कि एफिशिएंसी जो होती है वो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो काम ज्यादा होगा, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी ज्यादा है तो वो ज्यादा ईंट उठाएगा या ज्यादा काम करेगा। ओके, और एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। ओके, तो जो कार्य क्षमता होती है, जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, अगर किसी की ज्यादा है तो वो कम दिन में काम को समाप्त कर सकता है। ओके, तो एफिशिएंसी जो है वो वर्क के काम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ई का मतलब यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी, वैसे आप समझ सकते हो, और डब्ल्यू का मतलब वर्क है और डी का मतलब डेज है, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो टाइप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 3:4। जो रेशियो है, जो अनुपात है एफिशिएंसी का ए और बी का, वो 3:4 है। इफ ए टेक्स 12 डेज इन फिनिशिंग अ वर्क, अगर ए जो है वो 12 दिन लेता है किसी काम को समाप्त करने में, देन फाइंड नंबर ऑफ डेज ऑफ बी टू कंप्लीट दैट वर्क। तो हमें निकालना है कि जो बी है वो अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस कई बार डीएसएसबी में भी, एसएससी में भी, तो इनको आप ध्यान से समझिए। सिर्फ 2 लाइन का इसका आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रेशियो दे रखी है एफिशिएंसी की वो लिख लेनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ए और बी, ऊपर लिखोगे एफिशिएंसी और यहाँ पे लिखोगे डेज, ठीक है। सारा क्या इस चीज का है गाइस, इसको ध्यान से समझिए। ओके, तो ए की एफिशिएंसी कितनी दे रही है और बी की रेशियो कितनी दे रही है, 3:4। तो एफिशिएंसी की रेशियो दे रखी है तो एफिशिएंसी के नीचे हम लिखेंगे 3 और बी के सामने लिखेंगे 4। ओके, 3:4 दे रखी है ए और बी की, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ डेज के, तो अगर ये 3:4 है तो डेज का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3। ओके, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिए। अगर एफिशिएंसी की रेशियो 3:4 है तो डेज की रेशियो क्या आ जाएगी, 4:3। ये आपको अपने आप अपने दिमाग से लिखना है। ओके, आपको ये अगर पता होगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब ये देखिए ए का कितना दे रखा है, ए टेक्स 12 डेज इन फिनिशिंग अ वर्क। ओके, अब डेज ए के यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4, लेकिन हमें गिवन कितने हैं, 12, ये चीज हमें गिवन है। ओके, तो गिवन डेज कितने दे रखे हैं, 12, तो 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ओके, जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, तो 3×3=9, तो ये हमारे डेज किसके आ गए, बी के, यही हमसे पूछा हुआ था। ओके, कि देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ बी टू कंप्लीट दैट वर्क। अगर हमने ए को 3 से मल्टीप्लाई किया है 12 बनाने के लिए, तो सेम हम बी को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे करेक्ट आंसर निकालने के लिए। और क्योंकि इसने कोई गुना नहीं किया, जिस नंबर से हमने ए को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो एक बार दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको एफिशिएंसी की रेशियो दिखती है ए और बी की, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे बी, एफिशिएंसी की रेशियो दे रखी है, यहाँ पे एफिशिएंसी लिखेंगे, यहाँ पे डेज लिखेंगे, जो रेशियो गिवन है 3:4 हमने वहां पे वो लिख दी है। उसके बाद डेज कितने गिवन है, डेज की रेशियो एफिशिएंसी की उल्टी होती है, 3:4 है, तो डेज की रेशियो आ जाएगी 4:3। ओके, अब डेज ए के कितने गिवन है, 12। ओके, बी के हमें निकालने हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 4 था, 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो जब हमने ए को 3 से मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ डेज को, तो हम बी के भी नंबर ऑफ डेज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसका, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वेरी इजी हो जाएगा।
ठीक है, अब आप पढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो था वो बेस था एफिशिएंसी का, ये क्वेश्चन बहुत 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 आसान है, ठीक है, लेकिन जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इससे ट्रिकी है, ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को। सेकंड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 4:5, जो रेशियो जो अनुपात है एफिशिएंसी का ए और बी का वो 4:5 है। इफ ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी, अगर ए जो है वो 10 दिन ज्यादा लेता है बी से, इसमें आप ध्यान समझ में, इसमें दे रखा है मोर देन बी, उसमें कोई मोर देन नहीं था, उसमें खाली दे रखा था ए टेक्स 10 डेज इन फिनिशिंग अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इफ ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी इन फिनिशिंग अ वर्क, एक काम को कंप्लीट करने में अगर ए जो है वो 10 दिन ज्यादा लेता है बी से, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट दैट वर्क अलोन। ओके, तो बी जो है वो अकेले उस काम को कितने दिन में फिनिश कर लेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आपको रेशियो या एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन दिखते हैं, सबसे पहले आपको दिमाग में ये होना चाहिए, ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका भी बिल्कुल दो लाइन का सॉल्यूशन है, बस आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। इसे हम क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे बी, ऊपर लिखेंगे एफिशिएंसी और यहाँ पे लिखेंगे डेज। सबसे पहले आपको ये कॉलम ऐसे बना लेंगे, ओके। अब ए और बी की रेशियो कितनी रखी है, 4:5, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 4, यहाँ पे लिख दिया 5। अब बिना सोचे समझे मैं आपको बताया है एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ डेज के, तो यहाँ पे 4:5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5:4। ओके, अब ये देखो इसमें क्या दे रखा है, ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी, ए जो है वो बी से 10 दिन ज्यादा लेते हैं, तो इसमें देखते हैं कि मार्क कितने ज्यादा आई है, ए जो है वो बी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 5 में से 4 घटाओ, 1 दिन ज्यादा ले रहा है, बट क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, ये कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 10 दिन ज्यादा ले रहा है, ठीक है, तो इसको 10 दिन बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो जो भी हमसे आंसर पूछेगा उस आंसर को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट दैट वर्क। अब बी जो है इसके हिसाब से 4 दिन ले रहा है, बट हमारा आंसर 4 दिन नहीं आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अपना करेक्ट आंसर निकालने के लिए, ओके, जैसा हमने इसमें किया था, जिस नंबर से जो चीज हम बनाने के लिए हम जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो करेक्ट आंसर निकालने के लिए भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो आ जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी, ठीक है, क्या आएगा, 4 × 10 यानी कि 40 डेज, ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ना कि 4, ओके, तो 4 तो 4 को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, अगर वो पूछ लेता ए के नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करो कि वो केला कितने दिन में फिनिश कर लेगा, तो ए के नंबर ऑफ डेज आ जाते 50 ना कि 5, ओके, जो भी आंसर है, जो भी ये डेज है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे भी इसको 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो एक बार मैं एक बार इसको दोबारा से बता देती हूँ आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी बोल रखा है, रेशियो दे दी ए और बी की, आपने लिख ली, डेज निकाल लिए, उल्टे कर दिए, अब ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी, इसे बोला 10 दिन ज्यादा लेता है ए बी से, बट इसमें हमने देखा कि वो तो 1 दिन ज्यादा ले रहा था, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, 10 बनाने के लिए, ए को 10 बनाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 10 से, ठीक है, तो जो हमसे पूछा है इसने, क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी, अब बी ने कितने दिन दिए थे, 4, लेकिन 4 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर कितना है, 40, 4 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 40 डेज हमारा करेक्ट आंसर है, अगर वो बोलता है कि ए के नंबर ऑफ डेज निकालो, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 ना कि 5, ओके, आई होप आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे, और हम थोड़े से और ट्रिकी लेवल पे जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें आपको एफिशिएंसी जो है वो परसेंटेज में देखने को मिलेगी, ओके, तो आपने रेशियो भी की है, ठीक है, आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें जैसे वो देगा कि ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, ठीक है, या फिर ट्वाइस या फिर 5 टाइम्स, तो उसमें आप कैसे करोगे, वो भी बिल्कुल आसान है, ठीक है, थ्राइस है तो 3:1 हो जाएगा, ओके, और परसेंटेज वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एफिशिएंसी परसेंटेज में गिवन होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार समझने की देर है, बस हमने देखो ये दो लाइन का ही सवाल है, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये आज का थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है, ए इज थ्राइस एज गुड एज बी, ए जो है वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 3 गुना है बी के, ओके, 3 टाइम्स बोल दे या 3 थ्राइस बोल दे, ठीक है, तो वो बी के 3 गुना है, ठीक है, थ्राइस है, 3 टाइम्स है, टुगेदर दे कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, इकट्ठे मिलकर वे किसी काम को 10 दिन में करते हैं, इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन फिनिश द वर्क, तो कितने दिन में बी अकेला उस काम को खत्म कर देगा, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो एफिशिएंसी की रेशियो गिवन है वो थ्राइस ट्वाइस ऐसे करके गिवन है, तो इसमें ये समझने वाली बात है, ठीक है, स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि थ्राइस में 3 किसको ले, 1 किसको ले, ठीक है, तो
चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप ए लिखेंगे और यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफिशिएंसी और यहाँ पे लिखेंगे डेज। ओके, एफिशिएंसी और डेज उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ओके, अब इसमें बोला है ए इज थ्राइस एज गुड एज बी, ठीक है। तो ए जो है, ए इज थ्राइस है ना, तो ए क्या आगे आएगा, थ्री, ठीक है। अगर बी वन है तो ए जो है उसका तीन गुना है, यही इसमें बोल रखा है, ठीक है। जितना अच्छा बी है उसके तीन गुना अच्छा ए है, ए इज थ्राइस एज गुड एज बी। तो यही बात इसमें समझने की थी कि ए के सामने हम थ्री लिखेंगे और बी के सामने हम वन लिखेंगे, ठीक है। अब आपको मैंने बता रखा है डेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 3:1 है, तो ये आ जाएगा 1:3। अब आगे देखिए क्वेश्चन में, इतना तो आपको हर क्वेश्चन में करना है। आगे देखो, टुगेदर दे कैन डू ए वर्क इन 10 days, ठीक है। अब इसमें बोल दिया दोनों इकट्ठे मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपने देखा पिछले क्वेश्चन में देखा था ए किसी काम को 10 दिन में मान लो कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको 10 गुना कर देते थे क्योंकि ए को 10 गुना बनाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। या कई क्वेश्चन में बी का दे रखा होता है, ठीक है, तो आप उसको कर लेते हो। लेकिन इसमें क्या है ना, तो ए का सिंगल का दे रखा है, अलोन का दे रखा है ना, बी का अलोन का दे रखा है। इसमें बोल दिया दे टुगेदर, ठीक है, टुगेदर दे कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, इकट्ठे मिलकर। तो जब मैंने आपको बेटा करवाया था टाइम एंड वर्क का पार्ट वन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको दो पार्ट दो टाइप सिखाई थी, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, जब इकट्ठा दे रखा होता है तो हम करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वीडियो वन का, ठीक है, पार्ट वन टाइम एंड वर्क का। उसमें मैंने आपको 40 मिनट तक यही बात सिखाई है कि अगर टुगेदर दे रखा होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे प्लस करते हैं, ठीक है। अब टुगेदर का दे रखा है, इन्होंने दे रखा है ए प्लस बी का कितना दे रखा है 10 दिन। ओके, ये गिवन है हमें। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी एक्स ले लेंगे और इसको भी एक्स ले लेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया सिखाया है मैंने कि जब इकट्ठा दे रखा होता है तो जो भी नंबर ऑफ डेज होते हैं दोनों के, ए और बी के, ठीक है, ऊपर हम दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ए प्लस बी, ठीक है, तो ऊपर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3x मल्टीप्लाई बाय 1x, ओके, और नीचे इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 1x प्लस 3x कितना हो गया 4x, ओके। अब देखो x से जो है वो x कट गया, ठीक है, ऊपर क्या बचा 3x अपॉन में 4, ओके। अब a प्लस बी कितना दे रखा है, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। तो यहाँ पे हम यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई, अब ये जो है 4 डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर x के साथ ही मल्टीप्लाई में था तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ओके, तो ये आ जाएगा 10 × 4 = 40 / 3, ठीक है। अब ध्यान रखो कई बच्चे जो है वो इतना छोड़ देते हैं, बट हमारा जो आंसर है वो ये एक्स का आया है, अभी जो इसने पूछा था वो आंसर भी आया हमारा, ठीक है। तो ऑप्शंस में आपको ये मिलेगा नहीं, आप घबरा जाओगे कि अरे ये तो हमारा हुआ ही नहीं, तो ऐसे नहीं करना है। देखो, इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन फिनिश द वर्क, तो बी जो है वो अकेला उस काम को कितने दिन, हमें बी के नंबर ऑफ डेज निकालने जो कि है 3x, ओके, हमें ये निकालने हैं। तो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 40/3, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ डेज ऑफ बी कितने हैं 3x, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो 3x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 40/3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 40 days, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है 40 days, ये हमारा आंसर है 40 days, ओके, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज ऑफ बी पूछा है। अगर नंबर ऑफ डेज ऑफ ए पूछता तो हमारा आंसर x आ जाता, ये x है ना 1x, तो हमारा आंसर आ जाता 40/3 days, बट इसने हमसे पूछा है b के नंबर ऑफ डेज, तो b के नंबर ऑफ डेज x नहीं है 3x है, तो जो भी x की वैल्यू आई है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमने b के नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी था, इसे अगर स्टूडेंट्स मार्क खाते तो इस बात पे वन ट्वाइस थ्राइस है, वो उनको समझ भी नहीं आ पाता कि वो a के सामने लिखे हैं b के, ठीक है, तो a इज थ्राइस है, तो a को हमने 3 कर दिया, b को ऑटोमेटिक वो 1 हो गया, ठीक है, और डेज उल्टे कर दिए। अब इसमें टुगेदर दे रखा था तो इन दोनों को x मान के ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस करके 10 के इक्वल रख दिया और हमने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब a के नंबर ऑफ डेज पूछे हैं तो जो भी x की वैल्यू है वो आ जाएगी, और अगर b के पूछे हैं तो उस x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ओके। तो चलिए बढ़ते अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, a's एफिशिएंसी इज 40% मोर देन b's एफिशिएंसी, ठीक है। इसमें जो एफिशिएंसी गिवन है ए की वो परसेंटेज में गिवन है, जो 40% ज्यादा है बी की एफिशिएंसी के, बी के कार्य क्षमता से, ठीक है। इफ बी कैन डू ए वर्क इन 14 days, अगर बी को है, बी जो है किसी काम को 14 दिन में समाप्त करता है, देन इन हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश द सेम वर्क, तो कितने दिन में जो है वो ए अकेला उस काम को समाप्त कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि मैम ने ये बताया था कि एफिशिएंसी ये तो रेशियो हम निकलते हैं,
ठीक है, अगर हम ये इस टाइप के कॉलम बनाए तो हमारे पास रेशियो होनी चाहिए सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे तो रेशियो गिवन नहीं है ना, इसमें ट्वाइस थ्राइस गिवन है, इसमें परसेंटेज भी गिवन है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट, अब देखो ए की एफिशिएंसी 40% ज्यादा है ना बी की एफिशिएंसी से, तो पहले बी की तो पता चले। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट बीज एफिशिएंसी, मैंने ई डब्ल्यू एफ लिखा है, आप समझ सकते हो, मान लो 100 है। ठीक है, तो देयरफॉर ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 40% ज्यादा है बीज की से। ठीक है, तो 100 का 40% कितना होगा, 40। ठीक है, यानी कि बी ए की एफिशिएंसी कितनी है, 140। देखो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ, ए की एफिशिएंसी 40% ज्यादा है बी की एफिशिएंसी से, मान लो हमने बी की एफिशिएंसी 100 मान ली। ठीक है, अब ए की 40% ज्यादा है, यानी कि ए की कितनी हो जाएगी, 140। ठीक है, अब जो है इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ए इज टू बी, अब ए की कितनी है, 140, और बी की कितनी है, 100। ठीक है, इसे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, तो हमारी जो है वो रेशियो आ गई ए इज टू बी, कितनी आ गई, 7:5। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल पहले जैसा बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें हमारे पास रेशियो आ चुकी है। ठीक है, तो वही हम ऐसे कॉलम बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे ए, नीचे लिखेंगे बी, यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएंगे आपके डेज। ओके बेटा, नीचे इसलिए नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं बोर्ड पे। ठीक है, तो इस वजह से तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ नीचे लिखने का, एफिशिएंसी डेज, और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ठीक है, अब ए कितना है, 7 है ए की एफिशिएंसी, और बी की कितनी है, 5 7:5 का रेशियो, तो डेज का क्या हो जाएगा, इसके रेसिप्रोकल 5:7 हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखो क्वेश्चन क्या, इफ बी कैन डू ए वर्क इन 14 डेज, इसमें क्या दे दिया ना, 14 डेज, इसमें टुगेदर था। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, बी कैन डू ए वर्क इन 14 डेज, अब बी कितने दिन में कर रहा है, 14 डेज में, ये हमारा गिवन है। ओके, लेकिन हमारा तो 7 था, गिवन कितना है, 14, अब 7 को 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो जो हमसे पूछा है ए का, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसने कोई गुना तो किया नहीं है। ठीक है, तो 5 2 10, तो 10 डेज ये जो है हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारा आंसर है 10 डेज। जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है ये भी इजी होते हैं, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो परसेंटेज है उसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी, अभी इसने बोल रखा है कि ए की एफिशिएंसी 40% ज्यादा है बी की एफिशिएंसी से, अब बी की मान लो 100 है तो ए की 140 हो जाएगी, कहीं अगर 60 दे देगा तो अगर बी की 100 है तो ए की 60 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, ए टू बी रख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान रहे ए के नीचे ए की एफिशिएंसी ही रखनी है। ठीक है, बी के नीचे बी की एफिशिएंसी जो मानी थी वही रखनी है। रेशियो में कन्वर्ट होने के बाद ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की जैसे बन जाता है। ठीक है, ए और बी लिखेंगे, एफिशिएंसी और डेज। ठीक है, एफिशिएंसी जो आई है 7:5 आपने वो लिखा है, डेज को निकालने के लिए आपने एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल किया है जो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया है। ओके, अब जो गिवन है बी जो है वो 14 दिन में करता है। ठीक है, तो 7 को 14 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमसे पूछा है ए के, ए जो है वो कितने दिन में समाप्त कर लेगा सेम काम को, तो अगर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, तो आंसर हमारा आ गया 10 डेज। कई बार वो इस क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि बताओ इकट्ठे मिल गए। ठीक है, जो है अब जिसने ए का पूछा है खाली, हमने आंसर निकाल लिया, कई बार वो ये पूछेगा कि दोनों इकट्ठे मिलके उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया है। ठीक है, और फर्स्ट वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर वो ए प्लस बी पूछेगा, मान लो इस क्वेश्चन में वो ए प्लस बी पूछ ले, ठीक है, कि दोनों इकट्ठे मिलकर, तो आपको देखो दोनों के नंबर ऑफ डेज आपने निकाल लिए हैं, तो जब भी ए प्लस बी पूछेगा, ठीक है, इकट्ठे मिलकर पूछेगा, तो आपको क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई 10 × 14, दोनों के नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 10 और 14 है, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे प्लस 10 + 14। ठीक है, यानी कि ऊपर 140 आ जाएगा और नीचे आपका 24 आ जाएगा, अभी इनको कट कर लेना। ठीक है, वो हमारा आंसर आ जाएगा अगर वो ये पूछता है तो कि दोनों इकट्ठे मिल गए, तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो गाइस ये थे आज के क्वेश्चंस, ये जो टाइप थी एफिशिएंसी टाइप काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में तो गाइस ये है आज के क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, आप अपने स्क्रीन को पॉज करके इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे जो है मैं आपको टाइमर वर्क की जो है पार्ट 8 वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें मैं आपको फ्रैक्शनल वर्क करवाऊंगी, वो जो टाइम होगी वो टाइमर वर्क की लास्ट टाइम होगी। ठीक है, अगर आपको देखो गाइस
जो क्वेश्चन है टाइम नेटवर्क के वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, 500 1000 आप कितने भी कर लो वो कम है, लेकिन जितना मैंने आपको करवाया वो टाइम नेटवर्क के लिए सफिशियंट है। और इसी में मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने की कोशिश की है। तो हम टाइम नेटवर्क में पार्ट 8 करेंगे फ्रैक्शनल वर्क। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप टाइम नेटवर्क के और क्वेश्चंस करें तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं आपको टाइम नेटवर्क की मिसेलियस टाइप करवाऊंगी जिसमें आपके और थोड़े और बैंक पीओ लेवल तक के ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को करें और आंसर्स इनके कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। मिलते हैं आप अपने हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में टाइम नेटवर्क के पार्ट 8 में। ओके, तब तक के लिए गुड लक गाइस, थैंक यू सो मच।